हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त करवित और आपका एक बार फिर टेबल्स फूड कार्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को मीरा रोड के कनकिया के एक फेमस राजस्थानी रेस्टोरेंट लेकर आए हैं जिसका नाम है सुर संगम। दोस्तों सोचो, जिसके नाम में ही सुर बरसते हों उसकी क्या बात होगी, कुछ तो खास बात होगी ना उसमें। दोस्तों यहाँ पे ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने मुंबई में पहली बार देखा, केवल यही एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें ऐसा कॉन्सेप्ट देखा मैंने। यहाँ पे सबसे फेमस, जिसके लिए लोग दूर दूर तक राजस्थान जाते हैं, राजस्थानी थाली, वो यहाँ पे आपको मुंबई में बैठे बैठे राजस्थान का स्वाद मिलेगा जिसमें, वो आपको राजस्थानी थाली यहाँ पे मिलेगी। ज़्यादा महंगा रेट नहीं है, अफोर्डेबल है, 200 रुपीज़। तो सोचो ना दोस्तों, जहाँ लोगों को मुंबई से उठ के राजस्थान जाना पड़ता है राजस्थानी थाली खाने के लिए, वो उन लोग को यहाँ पे ही मिलेगी मीरा रोड के कनकिया में। आइए दोस्तों अंदर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे ऐसा राजस्थानी स्वाद जो यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। वाओ गाइस, ये तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है, बिल्कुल नीट एंड टाइडी। यहाँ पे आके मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ साफ़ सफाई होती है वहीं अच्छी सोच होती है, वहीं एकदम आराम, सुकून, चैन। अगर आप यहाँ पे आसपास डेकोरेशन की तरफ ध्यान देंगे तो ऊपर कलरफुल लाइटिंग्स है, साफ़ सुथरी वॉल्स, ना गंदी, ना दाग धब्बे, कुछ भी नहीं, साफ़ सुथरी वॉल्स, उस पर कलरफुल लाइटिंग्स जो यहाँ पे फ्लोर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप आसपास देखेंगे तो यहाँ पे वाटर बॉटल्स हैं पानी पीने के लिए, मिनरल वाटर, फिर एक फ्रीज़र है जिसमें आपको अलग अलग तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स है, छोटी शेप, छोटी साइज़ की भी है, बड़ी साइज़ की भी है, अलग अलग वेराइटीज़ की हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। फिर आप अगर इस तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा राजस्थानी ग्लास। राजस्थानी ग्लास की जो शेप होती है केवल राजस्थान में ही मिलती है, वो अलग ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है उन लोग का, ये आपको किसी और कल्चर में नहीं मिलेगी। जो इंडियन कल्चर्स होते हैं वहाँ पे आपको कहीं और नहीं मिलेगी, केवल राजस्थानी स्टाइल में मिलेगी, अलग टाइप के ग्लास होते हैं। फिर आप इधर देखेंगे तो जो वॉल्स हैं वो वॉल्स सीमेंट की, जो सिंपल सीमेंट होता है वैसी नहीं है, ये वॉल्स वुडन से बनाई गई है, जिस चक्कर में जैसे वॉल्स होता है किसी लोगों के हाथ गंदे लग जाते हैं वो भी नहीं, जिस चक्कर में ये साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़ और अच्छा लग रहा है, टाइडी लग रहा है। फिर अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे प्लेट्स हैं जिसमें खाना खाते हैं, प्लेट्स भी एकदम राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई प्लेट्स हैं। जैसे अगर आप इधर इसके बाउल को देखेंगे तो बाउल में आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, नीचे से जैसे राउंड आना चाहिए वैसा है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स में अगर आप देखेंगे तो जैसे ऊपर से उठ के और एक फिर हल्की सी प्लेट बाहर की तरफ निकलती है वैसा है, जो इसको अलग ही एक राजस्थानी वो बनाती है, राजस्थानी कॉन्सेप्ट से निकल कर आती है। क्योंकि राजस्थान में पहले मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी से बर्तन बनाए जाने के कारण इसको साइड से मोड़ा जाता था ताकि ये टूटे ना, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जल्दी टूट जाता है, उन्हें गर्म करा जाता है भट्टी में, फिर उसको ये जल्दी टूट जाते हैं। तो राजस्थान ने उनका ये कल्चर बिल्कुल बिगड़ने नहीं दिया, और इसको भले ही वो स्टील से बनाए, कांच से बनाए, आज भी वो वैसे ही बनाते हैं, जो कि वो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर आप इधर टेबल्स की तरफ आए तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी टेबल्स है, टेबल जो सर्विंग टेबल होगी उनकी, उस पर देखिए एक अलग तरीके की प्लेट रखी हुई है। ये प्लेट अगर आप देखेंगे तो इसमें शायद 4, 5, 6 ब्लॉक्स हैं, यानी आपके परफेक्ट डाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेट है ये। ये एक शील्ड की तरह दिख रही है, जैसे आपको बचपन में या कॉलेज में जब भी कोई शील्ड या मोमेंटो मिलता है तो उस पर ऐसी ही शेप होती है शील्ड की, बिल्कुल उसी शेप में है ये, बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। शायद यहाँ की जो राजस्थानी थाली होती है वही थाली है ये, मेरे को पता तो नहीं, लेकिन आई गेस। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट भी है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे चेयर्स है, सिंपल चेयर्स, और टेबल की उस तरफ सोफ़ा है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सीट्स पे रिजर्व के कार्ड हैं, रिजर्व के कार्ड इसलिए यहाँ पे है क्योंकि
जो लोग यहाँ पे आके खाना खाना चाहते हैं, यहाँ की राजस्थानी थाली का मज़ा उठाना चाहते हैं, तो वो पहले ही यहाँ पे आके यहाँ पे आने के बजाय फ़ोन से ही बुकिंग कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, आप रिजर्व कर दीजिए सीट्स और यहाँ पे आके हम लोग यहाँ की जो राजस्थानी थाली है या फिर जो और कोई जो यहाँ की स्पेशलिटी होगी उसका मज़ा उठाएंगे। तो यहाँ पे पहले ही कार्ड लगा दिए जाते हैं ताकि कोई और कस्टमर यहाँ पे नहीं आए, वो लोग आए जिन्होंने पहले से बुकिंग करी हो, उन लोग को ज़्यादा वेट ना करना पड़े और सीधा ही आके सीधा आते ही खाने का मज़ा उठाएं, लुत्फ उठाएं। दोस्तों अगर आप टेबल्स पे देखें तो यहाँ पे पहले मेन्यू कार्ड रखा हुआ, मेन्यू कार्ड जो होता है वो पहले ही यहाँ पे रखा हुआ है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि मेन्यू कार्ड नहीं रखा होता, आप लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, वो बैठते हैं, फिर आके वेटर उन्हें मेन्यू कार्ड देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मेन्यू कार्ड रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आइए आप उनसे बात करते हैं जो इस सुर संगम का कॉन्सेप्ट, राजस्थानी कॉन्सेप्ट मुंबई में लेके आए। आइए दोस्तों। हेलो सर। सर आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, सर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये ऐसा है कि मैं ऐसे घूम रहा था, मैं एक्चुअली चेन्नई में क्या रहने वाला हूँ, यहाँ सेटल हुआ हूँ अभी 12 महीने हुए हैं, तो ऐसे घूम रहा था, मेरे को ये जगह अच्छी लगी, साइलेंट और पीसफुल, तो मेरे ऐसे बड़े बड़े दिमाग में आया कि मैं यहाँ चाट का आइटम खोलूँ, स्नैक्स और चाट, उस हिसाब से ही खोला है। फिर यहाँ के लोगों ने मुझे डिमांड कर ली क्योंकि ऑलरेडी मेरा चेन्नई में रेस्टोरेंट है, तो वहाँ मेरा राजस्थानी और पंजाबी है, तो लोगों ने बोला यार यहीं पर भी चालू करो ना आप राजस्थानी, तो लोगों ने मेरा जो चेन्नई का जो वेबसाइट है उसमें मेरा उन लोगों ने देखा श्री राजस्थानी ढाबा का, देख के बोले यार इतना अच्छा आपका वहाँ रेस्टोरेंट है तो क्यों नहीं आप यहाँ चालू करो। अरे वाह। तो हमने चालू कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी अशोक कुमार जी से सुना कि ये जो रेस्टोरेंट है सुर संगम रेस्टोरेंट, ये उनके चेन्नई की रेस्टोरेंट के ऑन डिमांड पे यहाँ पे खुला है, लोगों ने यहाँ पे डिमांड करी थी खोलने की। और सर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जहाँ तक मैंने सुना कि सुर संगम म्यूजिक से रिलेटेड है, तो ये खाने के उसमें सुर संगम में को कुछ जमा नहीं, आप थोड़ा बताएंगे विस्तार से? सही है कि ये नाम मेरे गुरु ने मुझे दिया था, क्या चाट का कभी भी काम करो और सुर संगम के नाम से करना, तो मैंने यहाँ मेरा स्नैक्स और चाट ही करने का प्लानिंग था, तो थाली ऐसे ही चालू कर दी और ये मेरे गुरु का नाम दिया हुआ है इसलिए मैंने ये नाम रखा है। इसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, लोग जो देखते हैं नाम ऊपर तो ये बोलते हैं यार ये रेस्टोरेंट तो हमें लगता ही नहीं है, तो हम तो समझते थे ये कोई म्यूजिक हॉल है या म्यूजिक क्लास होगी यहाँ पे, पर अंदर आके जब देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये तो रेस्टोरेंट है, तो इसके कारण मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पर तो मेरे गुरु ने जो मुझे दिया है मैं वो प्रसाद समझ के ले रहा हूँ, चाहे प्रॉब्लम आए या ना आए, चले या ना चले, मेरा किस्मत है, ये मेरे गुरु का दिया हुआ दान है प्रसाद। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी अभी सुना कि अशोक कुमार जी अपने गुरु की कितनी इज्जत करते हैं कि जो उन्होंने नाम दिया वही का वही उन्होंने रख लिया, कोई चेंज नहीं करा, भले ही उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लेकिन गुरु ने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, अभी नहीं तो आगे तो कुछ फल मिलेगा। और सर इसकी आपकी रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? 12 to 10:30, मतलब 12 noon to 10:30। लंच जो है डिनर, लंच और डिनर उसका टाइम है 12 to 3:30 और स्नैक्स का है और सैंडविच चाट वगैरह है वो 12 to 10:30 तक और डिनर है 7 to 10:30। डिनर 7 to 10:30। ओके सर, आपके इधर भीड़ कितनी होती है, मतलब ये जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट है कितने पीपल एक बार में अकोमोडेट कर सकता है? 20 से 25। यानी ओके 20 से 25। ओके सर, आपके यहाँ भीड़ कितनी रहती है पब्लिक की? नॉर्मल आते रहते हैं लोग, न्यू कस्टमर जॉइंट हो रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है कि ये हटके और डिफरेंट है और सब जगह चाट वगैरह सीटिंग नहीं रहता है, हमने यहाँ पे ये अलग सोच के बनाया है कि सब जगह खड़े होके खाते हैं चाट वगैरह स्नैक्स वगैरह, मैंने सोचा ये एक हटके यहाँ पर बनाऊँ जिससे लोगों को अच्छा लगे और एक रिलैक्स और आराम से बैठ के वो अपने फैमिली के साथ इंजॉयमेंट कर सके, ये सोच के मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने रिस्क ली है। और मैं जबकि यहाँ मेरे को बॉम्बे का कोई ABCD भी मालूम नहीं है कि यहाँ क्या है और मेरे पास कोई स्टाफ वगैरह नहीं था, मैं 100 man हूँ और मैंने धीरे धीरे मेरे स्टाफ को मैं खुद सेल्फ कुक मास्टर हूँ
शेफ हूँ, मेरे को साउथ इंडियन, पंजाबी, राजस्थानी सब बनाना आता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना कि अशोक कुमार जी खुद एक शेफ है, मतलब उनको खुद खाना बनाना आता है। हो सकता है कि इस रेस्टोरेंट में वो भी खुद कुछ बनाते हो, कि अगर पब्लिक जो इनका मोटो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज हिज मोटो, तो हो सकता है कि वो खुद ही खाना बना के लोगों को टेस्ट कराते हो। जो आप ही बनाते हैं? अभी मैं ही खुद बनाता हूँ। और राजस्थानी थाली? मैं ही बनाता हूँ पूरा, मैं अभी पूरा मैं बनाता हूँ। और जो मेरी नई टीम है, अभी मैं जो नई टीम आई है, मैंने यहाँ के जो मास्टर रखे थे तो वो लोग खाना मुझे उनका हाथ का पसंद नहीं आया, और इन लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग बना के फ्रिज में रखते हैं और उनको सर्व करते हैं दो दिन तीन दिन ऐसे। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ फ्रेश खाना बनता है, फ्रेश क्वालिटी है, पूरा मसाला राजस्थान से आता है, घी प्योर, तेल प्योर, सब चीज़ ओरिजिनल है। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी अशोक कुमार जी से सुना कि वो लोगों के हाइजीन के बारे में कितना सोचते हैं, मतलब सब प्योर है यहाँ पे, सब फ्रेश है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स पे क्या होता है कि जो खाना वो लोग रात से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं, फिर अगले दिन वो उसको गर्म करके देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब डेली टू डेली बनता है, फ्रेश बनता है एकदम। और यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बताया कि मसाले घी वगैरह सब राजस्थान से आता है, एकदम फ्रेश यहाँ पे जो माल होता है वो यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, घी हो मसाले हो सब फ्रेश, रेडीमेड मसाला कुछ भी नहीं, सब यहाँ पे जो मसाले से लेकर घी और जो भी बाकी की स्पाइसेस होंगे सब ये फ्रेश यूज़ करते हैं, रेडीमेड कुछ यूज़ नहीं करते हैं। मतलब ये लोगों के हाइजीन के लिए कितना अच्छा है। साफ़ सफाई तो है ही है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे खाना बनाने का तरीका, अभी अशोक कुमार जी ने बताया कि इनके जो पहले के जो शेफ होंगे, जो इनकी पहले की टीम होगी, इन्होंने उनको हटा दिया क्योंकि इनको उनका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन्होंने फिर नई टीम रखी और ये उसे खुद ट्रेन कर रहे हैं, मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि कितनी बड़ी बात है कि इनकी जो फैमिली है, जो इनका परिवार है, वो यही भी खाना खाता है। मेरी बच्ची, हम दोनों टाइम खाना यही खाते हैं। और मद्रास के अंदर जो रेस्टोरेंट है, आज 17 साल हो गए, 16-17 साल घर पे खाना बनता ही नहीं है, पूरा होटल में ही खाते हैं, पूरे मेरे लड़का, मेरी बहू, मेरे पोते सब वहीं खाना खाते हैं। ये बात होती है ना दोस्तों कि अपनी गुडविल बनानी है तो खुद ही कुछ करके दिखाना है। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग खुद ही मतलब अपने घर का खाना खाते हैं, उन्हें भी पता होता है कि शायद ये हम लोग रोज़ रोज़ खाएं तो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन नहीं, इनको पता है जो कस्टमर को सर्व करेंगे वही हम लोग खाएंगे, तो जो कस्टमर खाएंगे वही हमारे शरीर को लगेगा, मतलब जो कस्टमर के शरीर को लगेगा अच्छा वही हमारे शरीर को लगेगा अच्छा। यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कस्टमर को मतलब ज़्यादा ऑयली खाना दे रहे हैं, बाहर का जंक फूड दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो खुद घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं वही कस्टमर को दे रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। तो सर आज आप हमें क्या स्पेशल खिलाने वाले हैं? देखो हमारे यहाँ पे थाली तो रेगुलर बनती है, सैंडविच चाट वगैरह रेगुलर रहता है, और अगर कोई ऑर्डर देता है हमें, जैसे 10 लोग 15 लोग आते हैं बोले हमें ये खाना है, तो हम दिल से बना के खिलाते हैं। तो वो हमारे मेनू में नहीं भी है और उनकी इच्छा हो गई कि हमें पाव भाजी खानी है तो खिलाते हैं, दाल बाटी खानी है तो खिलाते हैं, और अगर वड़ा पाव भी चाहिए उनको, नाशा भी चाहिए तो बना के देते हैं, दिल से बना के देते हैं। वाह दोस्तों कितनी अच्छी बात है, जो लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं मेन्यू में नहीं है तब भी वो इन्हें बना के देते हैं। तो सर आज आप हमें क्या ऐसा स्पेशल जो यहाँ पे आके लोग सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, जो यहाँ की डिमांड में रहता है, वो क्या खिलाने वाले हैं आज आप? ऐसे दाल बाटी है जो हमारी स्पेशलिस्ट है, और राजस्थानी का है वो तो मेन, गट्टे की सब्जी वगैरह और सैंडविच वगैरह। जो भी हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं वो क्लियर बोलते हैं कि आपकी क्वालिटी टॉप है, क्वांटिटी क्वालिटी रेट वाइज आपका बहुत अच्छा है। हम लोग बाहर से देखते हैं तब डरते हैं कि यार महंगा रहेगा, और जब अंदर आके देखते हैं तो कि यार ये तो क्या है, रोड पे खाते हैं उससे 10 रुपया ज़्यादा है। तो क्वालिटी कितनी, एक ग्रेड क्वालिटी यूज़ करते हो आप हर चीज़, जैसे चीज़ है, बटर है, चटनी है, वो सब हमारी हटके है बाज़ार से। तो सर आज आप हमें अपनी सुरों से भरी किचन जिसमें बहुत सारा खाना है उसमें से आज आप हमें क्या खिलाने वाले हैं? हम आपको आज हमारी राजस्थानी स्पेशल थाली है वो हम आपको टेस्ट कराते हैं, उसके अंदर जो साइड डिश वगैरह हैं वो आपको हम बताएंगे, आप टेस्ट कीजिए और आप हमें बताइए कि हमारा खाना कैसा है। सच्ची बताऊं दोस्तों, आज से पहले कभी मैंने कोई राजस्थानी डिश नहीं खाई है, और आज तो सुर संगम की सुरों से भरी राजस्थानी स्पेशल राजस्थानी खाने को मिलेगा। तो सच्ची बताऊं मैं तो सारे सुर मस्त होने वाले हैं।
क्योंकि आज सुर संगम में आके मेरे को सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो राजस्थानी थाली जिसको लोग खाने के लिए मुंबई से राजस्थान जाते हैं, आज वो मेरे को मुंबई में मीरा रोड के कनकिया में बैठे बैठे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं सुर संगम की सुर से भरी हुई किचन में, जहाँ देखते हैं कौन कौन से मसालों का संगम हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, सुर संगम की किचन उतनी ही साफ़ सुथरी है जितना इनका रेस्टोरेंट है। यहाँ पे फ्लोर पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, यहाँ पे खाना भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी तरीके से बनाया जा रहा है, मतलब कुछ फैला हुआ नहीं है, सब अच्छे से जितना सिस्टमेटिक होना चाहिए बिल्कुल उतना ही बनाया जा रहा है। बर्तन भी एकदम साफ़ हैं, जो इनका यूज़ होने का होगा सामान वो भी एकदम साफ़ सुथरी तरीके से रखा हुआ है, और जो टीम है वो भी अच्छे से काम कर रही है, कुछ फैला नहीं रही, अच्छे से अपना काम हो रहा है, यहाँ पे सब सिस्टमेटिक है बिल्कुल। दोस्तों ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि उनकी किचन जो होती है एकदम क्लोज होती है, बिल्कुल बंद होती है, लोग जो बाहर कस्टमर्स बैठे होते हैं वो अंदर देख नहीं पाते कि कैसे बन रहा है खाना, लेकिन उनकी जो किचन आप देखेंगे पीछे ओपन है एकदम, मतलब कस्टमर्स देख सकते हैं उनका खाना कैसे प्रिपेयर हो रहा है, अच्छे से हो रहा है या गलत तरीके से हो रहा है, खाना अच्छे से बन रहा है जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया बिल्कुल वैसे बन रहा है, या फिर कुछ छेड़ाखानी हो रही है। वैसे यहाँ पे तो होती नहीं, लेकिन तब भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, लोगों को दिख जाना चाहिए कि सब अच्छे तरीके से हो रहा है सब या फिर नहीं। अगर आप इनकी दीवारों की तरफ देखें तो दीवार एकदम साफ़ सुथरी है, टाइल्स लगी हुई दीवार, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स की ऐसी होती नहीं है, गंदी संदी होती है, जितना भी छौक लगा होता है, तेल लगा होता है, वो जितना भी खाना बनने में जब उड़ता होगा सब वो सब गंदी कर देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब साफ़ सुथरा है। भैया आपका नाम क्या है? शिवराम। शिवम भैया, आप क्या बना रहे हैं? बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी, तो ये जो है मेरी थाली में ही जाने वाला है, उसी में सर्व होगा? हाँ। तो मतलब दोस्तों जो बाजरे की रोटी है, जो बाजरा बहुत पौष्टिक होता है हमारे शरीर के लिए, गांव में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मुंबई शहर में तो खैर इतनी जगह पे मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सुर संगम रेस्टोरेंट में मिलेगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाजरे की रोटी आप देखेंगे कितने अलग तरीके से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, हवा में उछाल उछाल कैसे लग रहा है, करतब दिखा रहे हैं, वाह क्या तरीका है। ये हो गई बाजरे की रोटी तैयार। अब ये कौन सी रोटी है भाई? ये गेहूं का है। ये गेहूं का रोटी मतलब सादा रोटी जो घर पे बनती है? हाँ। भैया आप ये मोदक जैसा क्या बना रहे हो? आलू पराठा है। आलू का पराठा है, और उस कटोरे में शायद आलू होंगे, मसाला है आलू का, आलू का मसाला है। चलिए आप बनाइए। तो क्या ये भी मेरी थाली में सर्व होएगा? हाँ जी। बनाइए बनाइए। तो दोस्तों जब तक मेरी राजस्थानी थाली तैयार हो रही है, हम रुक करते हैं सुर संगम के स्नैक्स कॉर्नर पर। यहाँ पे गुलाब जामुन है, सैंडविच है, पराठे हैं, और सेव पूरी, भेलपूरी है, आइसक्रीम भी है, मिठाइयाँ हैं, दूध है, और सबसे फेमस पानी पूरी है, पिज्ज़ा है, सैंडविच है, और शायद वो पाव भाजी है, मिसल पाव है, दाबेली है, वड़ा पाव, समोसा पाव, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सुर संगम एक तरीके से खाना का पूरा एक बहुत बड़ा वाला ख़जाना है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती हैं, स्नैक्स यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है, दूर दूर से लोग यहाँ पे स्नैक्स खाने आते हैं। तो दोस्तों जब तक मेरी राजस्थानी थाली तैयार हो रही है, अब रुक करते हैं सुर संगम के मेन्यू कार्ड की तरफ, जहाँ पे देखते हैं वो अलग अलग तरीके के सुर जो मसालों के संग संगम हो रहे हैं, ऐसी कौन सी डिश बनाते हैं जो यहाँ के सुर संगम रेस्टोरेंट को फेमस बनाती है। आइए दोस्तों, वाह क्या प्रेजेंटेशन है, कितनी अच्छे तरीके से मेन्यू कार्ड को डिज़ाइन करा है, येलो रेड ग्रीन कलर बहुत अच्छा इसको प्रेजेंट कर रहा है। सुर संगम ऑथेंटिक चाट स्नैक्स एंड आइसक्रीम वेज किचन, ये प्योर वेज है, वाह क्या बात है, क्या प्रेजेंटेशन है, कितना अच्छा तरीके से इस मेन्यू को डिज़ाइन करा गया है। ये मेन्यू कार्ड भी जो इस रेस्टोरेंट का नाम है सुर संगम, उसी की तरह अलग अलग रंगों के सुर के साथ मिलकर संगम बना रहा है, जो इस मेन्यू कार्ड को बहुत ज़्यादा सुंदर बना रहा है। यहाँ पे सैंडविच है, सैंडविच में आलू स्लाइस, आलू टोस्ट, मसाला टोस्ट, म्यूनी चीज वेज टोस्ट सैंडविच, म्यूनी चीज टोस्ट सैंडविच, वेज क्लब सैंडविच, बहुत लंबी लिस्ट है सैंडविच की, और सारे रेट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 330, 40, 60, 80, 100 से ऊपर कोई भी सैंडविच नहीं मिलेगी, यानी ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स है, बहुत अच्छा है ये। और फिर राजस्थानी स्पेशल थाली जो शायद अभी मेरे सामने हाजिर होगी,
मेरे को पता भी नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा उसको देख के। इसमें आपको मिलेगा बटर मिल्क, स्वीट, तीन तरह की सब्ज़ी, कड़ी, दाल, कर्ड यानी दही, सिंगल पराठा यानी एक पराठा, दो तरीके की रोटी की वैरायटी जो हमने अभी अंदर देखी, बाजरा और गेहूँ दोनों, राइस होगा, पापड़, सैलेड, पिकल, आइसक्रीम भी होगी। फिर आपको चाट में मिलेगा पानी पूरी, मसाला पूरी, रगड़ा पूरी, भेलपूरी, जैन भेलपूरी, यानी कि यहाँ पे जो जैन लोग होते हैं जो लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे होगा। फिर सेव पूरी है, जैन सेव पूरी, फिर वही बिना प्याज और लहसुन के, दही पूरी, जैन दही पूरी, सेव पापड़ी, जैन सेव पापड़ी, दही पापड़ी, डेली पापड़ी चाट। वाह, मुंबई में डेली की पापड़ी चाट आपको यहाँ पे खाने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सुर संगम में। फिर इधर स्नैक्स चाट में आप देखेंगे तो दही समोसा चाट, दही समोसा चाट, दही कचौड़ी चाट, रगड़ा चाट और समोसा रगड़ा चाट, समोसा छोला चाट। वाह, बहुत सारी तरीके की वैरायटी है यहाँ पे चाट में भी। जब आपका शाम को खाने का मन करता है चाट तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और खा सकते हैं। रेट भी रीजनेबल है, 60 to 40, 80, मैक्सिमम 80 है, जो कि रगड़ा चाट समोसा कचौड़ी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होगी। फिर आपको सुर संगम स्पेशल में होगा शाही समोसा और शाही समोसा चाट, कचौड़ी चाट, प्याज कचौड़ी, प्याज कचौड़ी चाट, कचौड़ी चाट, राज कचौड़ी, कटोरी चाट, अरे वाह ये तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, कचौड़ी चाट, पता नहीं कैसा होगा, वड़ा पाव और फिर बटर वड़ा। रेट्स भी रीजनेबल है एकदम, 20, 40, 30, 50 है जो मैक्सिमम है वो है प्याज कचौड़ी चाट, फिर 60 है कचौड़ी चाट। अब इधर आपको कोल्ड ड्रिंक में मिलेगी स्पेशल लस्सी जो कि राजस्थान की शान होती है, स्पेशल लस्सी 60, लस्सी 40, सॉल्टेड लस्सी, मैंगो लस्सी सॉल्टेड, बादाम मिल्क, जलजीरा, पुदीना, लेमन और मसाला बटर मिल्क। मसाला बटर मिल्क तो शायद राजस्थानी स्पेशल थाली में भी हमें मिलेगा जो कि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, पौष्टिक होती है मसाला बटर मिल्क, जिसकी रेट 30 है यानी एकदम रीजनेबल रेट सर। अरे वाह, तो दोस्तों ये रही मेरी स्पेशल राजस्थानी थाली जो कि सुर संगम की शान है। इसमें इतनी सारी डिशेस है कि अगर मैं सुबह खाना खाऊं तो मेरे को रात तक खाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रोटी है, फिर नीचे पराठा है, फिर बाजरे की रोटी, पापड़ है, राइस है, दही है और रसगुल्ला भी है, फिर शायद ये कढ़ी है, फिर अलग तरीके की कोई सब्जी है, ये आलू की सब्जी है, दाल है, छाछ है और सैलेड है। इसको कितनी अच्छी तरह से इसको डेकोरेट करके दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो दोस्तों आइए जानते हैं अशोक कुमार जी से जो यहाँ के ओनर है और साथ ही साथ बहुत शानदार कुक और एक शेफ भी है जो ये खुद ही राजस्थानी थाली बनाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस समय मेरी थाली में स्पेशल राजस्थानी थाली में कौन कौन सी ऐसी डिश है। आइए अशोक सर जी, आप अगर बताएंगे, बताना चाहिए क्या थाली है। इसकी प्राइस है रेस्टोरेंट की 200, जिसमें ये एक रसगुल्ला आता है, गट्टे की सब्जी है और ये वेजिटेबल सब्जी है, ये आलू गोभी है, दाल है, ये बटर मिल्क है, सलाद है, राइस, पापड़, कर्ड और आइसक्रीम और आलू पराठा, बाजरा का रोटी और फुलके। इसमें खाली स्वीट, कर्ड, कुछ आइटम है जो लिमिटेड है, बाकी थाली अनलिमिटेड है। बहुत अच्छा, मतलब ये थालियाँ की खाने का पिटारा। तो जैसे कि दोस्तों अभी अशोक जी ने बताया कि इसमें कुछ चीज़ें लिमिटेड है लेकिन थाली अनलिमिटेड है, मतलब जो इस थाली की मेन मेन डिश होगी जैसे सब्जी होगी, रसगुल्ला, बटर मिल्क जो राजस्थान की शान है, और रोटियां और राइस, पापड़, ये अनलिमिटेड है, बाकी कुछ चीज़ें लिमिटेड होंगी। आइसक्रीम जो कि अलग कॉन्सेप्ट है, वो केवल यहीं आपको देखने को मिलेगी थाली के साथ, आइसक्रीम एक डेजर्ट के रूप में। वाह बहुत अच्छे, मेरा मन कर रहा है मैं उसमें से कुछ टेस्ट करूं। दोस्तों मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पहली बार अपने सामने कभी एक राजस्थानी थाली रखी है। मेरा तो मन कर रहा है मैं सीधा इस पर टूट पड़ूं और इसके टेस्ट का लुत्फ उठाऊं। अब मैं इसको जो राजस्थानी थाली का ये एक डिश है, एक सब्जी है, गट्टे की सब्जी, उससे टेस्ट करूँगा क्योंकि राजस्थानी की सबसे स्पेशल डिश मानी जाती है। सॉरी दोस्तों, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इतना टेस्टी है ना ये। इसको खाने के बाद, इसको टेस्ट करने के बाद मैं केवल आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ आइए
सुर संगम जो कि मीरा रोड के कनकिया में लोकेटेड है और यहाँ की जो स्पेशल राजस्थान थाली है इसका लुत्फ उठाइए, इसका मज़ा उठाइए। मैं आपके साथ बैट लगा सकता हूँ, मैंने ऐसा खाना कभी पहले नहीं खाया है, बहुत टेस्टी है ये। और इधर इन्होंने मेरे को आइसक्रीम सर्व करी है थाली के साथ, वो भी एक अलग ही स्टाइल में, राजस्थानी रजवाड़े स्टाइल में। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स पर क्या होता है कि पहली बात तो वहाँ पर थाली के साथ आइसक्रीम कभी सर्व ही नहीं होती, अगर सर्व करते हैं आइसक्रीम तो वो बाउल्स में सर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रजवाड़े स्टाइल में जो जिसको हांडी बोलते हैं, हांडी उसमें सर्व करके दिया। टेस्ट करें आइसक्रीम इसमें कैसी लग रही है। दोस्तों वैसे तो आइसक्रीम होती बहुत टेस्टी है, ठंडी मीठी सी होती है, लेकिन इस हांडी में खाने के ना इसका अलग ही मज़ा आ रहा है, ऐसा मज़ा जो आपने कभी नहीं महसूस करा होगा एक आइसक्रीम खाते वक्त, जो कि एक हांडी में खाने के बाद मज़ा आ रहा है, जो राजस्थानी रजवाड़ी स्टाइल है। दोस्तों मैं सच बताऊँ मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो इस खाने पर टूट पड़ने वाला हूँ। लेकिन जाने से पहले अगर आपको हमारी आज की राजस्थानी वीडियो, रजवाड़ी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेबल्स फूड कार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गड़ी खम्मा।